Welcome to my channel. Today let's make healthy oats chila. Oats chilas are easy to make and loaded with fiber, protein and complex carbs. It's very filling and the best breakfast you can have in the morning. इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है ओट्स का आटा, थोड़ा सा बेसन एंड सूजी। मसाले हम देख लेते हैं क्या क्या लगेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट एज पर टेस्ट एंड रेड चिली पाउडर। वेजिटेबल्स में हम देख लेते हैं हमें क्या क्या लगेंगे। सब चीज़ों को मैंने अच्छे से वॉश करके चॉप कर लिया है। कोरिएंडर, 1 टमाटो, 3 to 4 ग्रीन चिलीज, लिटिल बिट ऑफ कैबेज, 1 ऑनियन, गार्लिक एंड 1/2 कैप्सिकम। तो ओट्स का आटा जो है आपको किसी भी सुपरमार्केट में मिल जाएगा। अगर नहीं है तो आप ओट्स को भी ग्राइंड करके उसका पाउडर बना सकते हैं। चलिए एक बाउल में हम डालेंगे ओट्स का आटा। 1 कप मैंने यहाँ पर लिया है। 1/2 कप इसमें हम डालेंगे बेसन। 2 to 3 टेबल स्पून ऑफ सूजी यहाँ पर हम लेंगे। इसमें अब हम डाल देंगे चॉप्ड ऑनियन, टमाटो, गार्लिक, 1/2 कैप्सिकम, कैबेज, ग्रीन चिलीज, यहाँ पे मैंने 3 ली थी, आप आपके टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सॉल्ट एज पर योर टेस्ट अगेन। वन एंड हाफ स्पून ऑफ रेड चिली पाउडर एंड थोड़ा सा टर्मरिक और यहाँ पर ये चॉप्ड कोरिएंडर इसमें हम डाल देंगे और अच्छे से हम इसे अब मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे धीरे धीरे करके। कंसिस्टेंसी आपके हिसाब से रख सकते हैं, थिक या थोड़ी सी पत्ती। देखिए कुछ इस तरह से। अब हम इसे कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। जो सूजी और ओट्स हैं इसका पानी थोड़ा सोख लेंगे, तो 10-15 मिनट के बाद इसमें अगर आपको लगता है कि पानी कम है तो इसमें और थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं। देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी हो गई। अब हम एक पैन लेंगे, मीडियम फ्लेम पर इस पर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। अब आपकी मिक्सर इस पर डाल के आपके हिसाब से इसका छोटा या बड़ा साइज बना सकते हैं। अच्छे से अब नीचे से इसे हम थोड़ा गोल्डन होने तक बनने देंगे।
फ्लेम को आप मीडियम ही रखें। ऊपर की साइड में अब हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इसे अब हम फ्लिप करके इस तरफ से भी पकने देंगे। देखिए अच्छे से गोल्डन हो गया है पीछे से चिल्ला। इसे हम अच्छे से दोनों तरफ से जब तक हमें लगता है इसे पकना चाहिए हम उसे इस तरह से प्रेस भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ आप ऑयल लगा के अगेन इसे फ्लिप करके इस साइड को वापस कुक कर सकते हैं। देखिए आपका चिल्ला रेडी हो गया है और बिना बटर और घी के तो चिल्ला अच्छा नहीं लगता है। अगर आप बटर नहीं लेना चाहते हैं तो आप अवॉइड कर सकते हैं। यू कैन हैव इट विद कर्ड और एनी ग्रीन चटनी और सॉस एंड इट्स वेरी हेल्दी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा।